बुलंदशहर से जेपी गौतम की रिपोर्ट। रामघाट पर बने नहर पुल के आसपास टूटी सड़क से जनता का निकलना हुआ दुश्वार। कई बार ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी नहीं चेता विभाग। ओवरलोड वाहनों का निकलने का क्रम जारी। सिंचाई विभाग द्वारा पुल पर ओवरलोड वाहनों का निकलना वर्जित है, लेकिन फिर भी नियमों को ताक पर रखकर सब चल रहा है। बुलंदशहर रामघाट की गंगा नगरी में जाने के लिए नई गंग नहर से लेकर गोकुलपुर गांव तक सड़क की हालत चर्चा बनी हुई है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं है। अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। भाजपा सरकार की छवि खराब हो रही है, जनता में इससे आक्रोश व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार दिबाई तहसील के गांव रामघाट की गंगा नगरी व गोकुलपुर खादर गांव तक जाने के लिए नई गंग नहर से लेकर गोकुलपुर गांव तक बालू के ओवरलोड ट्रक चलने के कारण सड़क की हालत खस्ता बनी हुई है। नई गंग नहर से लेकर हजारा नहर के पुल तक पुल के ऊपर बनी काली जर्जर सड़क पर इतनी मिट्टी एकत्र हो गई है कि ग्रामीणों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है। यही नहीं, आए दिन साइकिल व बाइक चालक मिट्टी में फिसलने के कारण गिर रहे हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस समस्या की शिकायत कई बार ग्रामीणों संबंधित विभाग लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग से कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। मजेदार बात यह देखने को मिल रही है कि हजारा नहर के किनारे सिंचाई विभाग द्वारा एक बोर्ड लगा हुआ है और जिस पर लिखा हुआ है कि ओवरलोड वाहन नहर के पुल से गुजरना वर्जित है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से बालू के ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, जिसके कारण नई गंग नहर से लेकर गोकुलपुर गांव तक सड़क पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, जिसके कारण रामघाट की गंगा नगरी को जाने लिए ग्रामीण बेहद परेशान हैं। रामघाट गोकुलपुर गांव के समाज सेवी राकेश कुमार यादव, राजेश कुमार यादव, संजय कुमार शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, अमित कुमार गुप्ता, अनुज कुमार मित्तल आदि लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र भेजकर इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।